हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल निर्मला क्लासेज। आज हम देखिए चैप्टर 7 का पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हम चैप्टर 7 का पार्ट 1 कर चुके हैं। अब आप यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 1/5। आपको 1/5 के 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालें जो इक्वल हो। तो देखिए ये जैसा है, 1/5 को पहले 1 से तो हो ही रहे, 2 से करेंगे, 2 बन जाए 2, 2 5 जा 10, ठीक है। फिर 1/5 को 3 से करेंगे बच्चों, 4 करने हैं आपको, 3 बन जाए 3, 3 5 जा 15। फिर 1/5 को 4 से करेंगे, 4 बन जाए 4, 4 5 जा 20। फिर 1/5 को 5 से करेंगे, 5 बन जाए 5 और 5 5 जाए 25। देखिए 4 हो गए क्या, 1, 2, 3, 4। तो देखिए 1/5 के 4 इक्वल फ्रैक्शन हो गए 2/10 कॉमा 3/5 कॉमा 4/20 कॉमा 5/25। ये इसका आंसर हो गया। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए बहुत ये क्वेश्चन है, ये लैंग्वेज वाला है। देखिए, रानू बॉट 6 मीटर लॉन्ग रिबन फ्रॉम मार्केट। रानू एक लड़की है, वो मार्केट से 6 मीटर लंबा रिबन खरीदती है। 6 मीटर इफ यदि सी इक्वली डिवाइड्स इट अमोंग 4 फ्रेंड्स। यदि वो अपने 4 फ्रेंड्स को, 4 फ्रेंड है उसके, उन 4 फ्रेंड्स को वो इक्वली रिबन देती है। अब उसके पास 6 मीटर है जबकि वो 4 फ्रेंड्स को दे रही है, तो इक्वल इक्वल बांटना है। तो कैसे बांटेंगे, देन तब व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिबन, तो कितनी कितनी लेंथ वो ईच फ्रेंड को देगी। तो देखिए अपन लिख देते हैं ईच फ्रेंड, इसी में से लिखेंगे, है ना। ईच फ्रेंड यानी आउट ऑफ 4 फ्रेंड्स उसके 4, ठीक है, विल गेट कितना रिबन था, 6 मीटर, और 4 फ्रेंड को वो क्या कर रही है, इसको दे रही है। तो आपको क्या करना है, अब इसमें देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। पहले देखो इतना सरल है, यहां पर देखो 6 4 बन जाए 4, यहां बचा 2। तो हम हमेशा क्या करते हैं, 1 और 2 को रिमाइंडर है 4, ये तो वो एक फ्रेंड को देगी 1/2/4। अब इसको हम कर सकते हैं 1/2/4, 1/2/4 है ना बच्चों। तो 2 का देखो 1 प्लस करेंगे तो 2 बन जाए 2, 2 2 जाए 4, तो क्या बन गया 1/1/2। इसका मतलब वो क्या करेगी, 1/1/2 एक फ्रेंड को देगी, दूसरे को देगी 1/1/2, तो डेढ़ और डेढ़, मतलब 1/3, डेढ़ हो गया ये, एक और आधा, ठीक है। तो 2 को हो गया 3, तो 2 को और देगी इसी तरह 1/2 1/2, तो कितने हो गए बेटा पूरे, तो वो ईच फ्रेंड को 1/1 1/2 रिबन देगी। ओके, ये आपका कंप्लीट हो गया। कितना इजी सा था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई इसमें, समझ में आ गया होगा सबको। मैंने ये यहाँ रफ वर्क करके आपको बता दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सरस्वती नीड्स 1/4 मीटर ऑफ क्लॉथ टू मेक ए शर्ट। सरस्वती को आवश्यकता है एक शर्ट बनाने के लिए 1/4 मीटर क्लॉथ की, तो हाउ मच क्लॉथ सी नीड टू मेक टू सच शर्ट। तो इसी तरह से हमें 2 शर्ट बनानी होंगी, तो हमें कितना क्लॉथ कपड़ा चाहिए। तो देखो इतना वैसे तो ईजी है, 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा। तो हमने लिख दिया क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 शर्ट के लिए हमें इतना कपड़ा चाहिए। सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पर, अब क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 2 शर्ट, अब 2 शर्ट के लिए कितना चाहिए हमें, 1/4 प्लस 1/4 मीटर कपड़ा चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो बहुत इजी सा बता देती हूँ, ये 1 और ये 1 प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो गया। अब इन दोनों को भी अलग से प्लस कर दो, 1 और ये प्लस हो गया। ओके, अब देखिए 1 और 1 कितना हो गया, 2, क्या हो गया बच्चों, 2 प्लस
वन बन जा, अब ये हो गया वन और फोर, तो वन और वन कितना हो गया, ये वन अपन फोर फोर थे और वन अपन फोर, तो आधा हो गया कि नहीं हो गया, तो ये हो गया टू वन बाई टू मीटर कपड़ा चाहिए उसको, टू शर्ट सिलने के लिए इतना कपड़ा उसको चाहिए। मैंने बहुत इजी सा समझा दिया है, कोई ज्यादा इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं करना है आपको, इतनी इजी से कर लो, थोड़ा और बड़ा भी हो सकता है, थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ तो मैं इसको, लेकिन मैं नहीं करा रही हूँ क्योंकि आपको देखो यहाँ एलसीएम लेके इसको बता सकती हूँ मैं। यहाँ पर इनको पहले जैसे वन वन बाई फोर है प्लस वन वन बाई फोर है, पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से फोर बन जाए फोर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पर पहले कन्वर्ट कर सकते हैं, फोर बन जाए फोर, फोर और वन फाइव अपॉन फोर प्लस फोर वन जो फाइव अपॉन फोर। अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, फोर एलसीएम हमेशा ऐसा आता है जो दोनों डेनोमिनेटर दोनों से डिवाइड हो जाए, तो फोर का टेबल फोर में वन बन फाइव को, फाइव बन जाए फाइव, जो ऊपर वाला नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, फाइव आया, अब हमारे पास आ गया है टेन अपॉन फोर आ गया, तो इसको कर दो डिवाइड, तो वो इस तरह से भी हो सकता है। तो आप करोगे तो यही नंबर आएगा, फोर टू जा एट बचा टू, तो टू वन बाई टू आ जाएगा। समझ में आ गया होगा शायद आपको, देखिए यदि आपको सारे वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।